Honorable President of India, Home Secretary, Government of India, holding the charge of Secretary Personnel, Director LBSNAA, Secretary to the President, distinguished guests, my fellow officer trainees, ladies and gentlemen, a very good morning. To be addressed, guided, and inspired by the first citizen of our country in Rashtrapati Bhavan is a much awaited and cherished moment in the life of every young probationer. It is indeed a high privilege and distinct honor to have an audience with the Honorable President of India. Ma'am, I, Saksham Goyal, on behalf of the IAS Officers Batch of 2022, express a heartfelt gratitude for this opportunity. To initiate the proceedings, may I now invite Shri Ajay Kumar Bhalla, Home Secretary and Secretary Personnel, to kindly deliver the welcome address. Bharat ki mananiya Rashtrapati Mahodaya, Rashtrapati Ji ke Sachiv, Nideshak Lal Bahadur Shastri Prashasan Academy, 2022 बैच के सहायक सचिव और मेरे साथी, 2022 बैच के आईएएस अधिकारियों और हम सभी के लिए एक विशेष अवसर है कि हमें आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिलने का अवसर मिला है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहां उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिवर्ष कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग युवा आईएएस अधिकारियों को उनके करियर की शुरुआत में ही भारत सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सहायक सचिवों के कार्यक्रम का आयोजन करता है। 2022 बैच के हमारे साथ मौजूद अधिकारी मसूरी में अपने प्रशिक्षण को दूसरे चरण से पहले अपने जिला प्रशिक्षण के बाद इस कार्यक्रम के लिए 8 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में आए हुए हैं। सहायक सचिव कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था, जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के अधिकारियों को मंत्रालय विभागों में सहायक सचिव के रूप में पहली बार तैनात किया गया था। तब से लेकर अब तक कोविड महामारी के दौरान वर्षों को छोड़कर ये कार्यक्रम लगातार सफलतापूर्वक चल रहा है। इस वर्ष 181 आईएएस अधिकारियों को 20 मई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक 8 सप्ताह की अवधि के लिए भारत सरकार के 46 मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में तैनात किया गया है। सहायक सचिव कार्यक्रम सरकार के समग्र सिविल सेवा की कैपेसिटी बिल्डिंग को के प्रयासों को में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उन्हें राज्य स्तरीय पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ तालमेल बिठाकर नेशनल प्रस्पेक्टिव हासिल करने में मदद करता है। ये उन्हें सिटीजन सेंट्रिक प्रशासन के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को आत्मसात करने और विकसित भारत के परिवर्तन एजेंट बनने का अवसर भी देता है। वे ये भी समझेंगे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सुधार और फ्यूचर रेडी गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार में टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाया जा रहा है। मंत्रालयों और विभागों को भी सहायक सचिवों के नवीन विचारों से लाभ होगा, जो कि वे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू साझा भी कर सकते हैं। सहायक सचिव कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि युवा अधिकारियों को माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने तथा देश के वरिष्ठ सिविल सर्वेंट्स को क्लोज इंटरेक्शन करने का अवसर भी देता है। कार्यक्रम के दौरान ये अधिकारी नई और पुरानी संसद की इमारतों, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं राजघाट पर महात्मा गांधी जी के स्मारक का भी दौरा करते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, युवा अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा से युक्त आपके संबोधन को सुनने के लिए हम उत्सुकता से प्रतीक्षारत हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि आज का ये सुअवसर उनकी स्मृति पटल पर सदैव अंकित रहेगा और अपने समग्र कैरियर के दौरान इन सहायक सचिवों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं समस्त अतिथिगण, माननीय महोदया, मेरा नाम तुषार आनंद है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का निवासी हूँ और मुझे आगमठ संवर्ग आवंटित हुआ है। वर्तमान में मैं वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। माननीय महोदया, एक प्रशिक्षु अधिकारी से कर्मयोगी बनने का हमारा सफर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के बुनियादी पाठ्यक्रम से प्रारंभ हुआ, जहां पर अनुशासन, समयबद्धता एवं अंतर सेवा मेल मिलाप जैसे मौलिक गुण हमें सिखाए गए। शैक्षिक पाठ्यक्रम के दौरान हमें विभिन्न विषयों जैसे कानून,
लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और प्रबंधन में विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। केवड़िया भ्रमण, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संबोधित किया, एक अविस्मरणीय अनुभव था। माननीय महोदया, बुनियादी पाठ्यक्रम के समापन समारोह में आपके आगमन से प्रशिक्षु अधिकारियों का उत्साहवर्धन हुआ। प्रथम चरण के प्रशिक्षण के दौरान अकादमी के विशेषज्ञों ने हमें भू राजस्व, दंड प्रक्रिया एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भी ज्ञान प्रदान किया। अकादमी के सैद्धांतिक प्रशिक्षण के उपरांत महोदया, एक वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण हेतु हम अपने संवर्ग में गए। इस अवधि में हमने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझा और सामान्य नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया। मेरी माटी मेरा देश और विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में भाग लेने का भी हमें अवसर प्राप्त हुआ। माननीय महोदया, इसके उपरांत सहायक सचिव कार्यक्रम में हमें सचिवालय की कार्यप्रणाली को अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर मिला, जहां जिला प्रशिक्षण ने हमें क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन में कुशल बनाया, वहीं सहायक सचिव कार्यक्रम ने हमें केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। सहायक सचिव कार्यक्रम ने हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण और विविध राष्ट्रीय नीतियों को समझने में मदद की। इससे हमें भारत सरकार की नीतियों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में संवेदनशीलता प्राप्त हुई। इसके पश्चात जब हम अपने संवर्ग में लौटेंगे तो हम प्रेरित परिवर्तन कारक की भूमिका निभाएंगे। इस अवधि में सहायक सचिवों ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर शोध किया और नीति पत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए सुझाव दिए। इसके उपरांत हम अपने प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के लिए अकादमी जाएंगे। माननीय महोदया, अकादमी द्वारा दिया गया ये प्रशिक्षण हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा और हमें कर्मयोगी बनाने में सहायक रहा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को अमृत काल में एक विकसित और सशक्त भारत बनाने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपनी सहकर्मी सुश्री स्नेहा को अपने अनुभव साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, esteemed dignitaries and my dear friends, a very warm welcome to all of you. I am Sneha, born into Odisha cadre. It is indeed my honor and privilege to share my experiences today with all of you. J.K. Rowling once said, there's always room for a story that can transport people from one place to another. So let me begin today with the story of a young girl child. This brave child changed her school in the 12th class but faced harassment as she was denied a transfer certificate due to unpaid fees. Coming from a poor background, she was unable to pay the full fees on time, and she was in the risk of losing an entire academic year. This is when one of my friends, who is sitting with us here today, intervened. He diligently researched and discovered a high court judgment saying that a transfer certificate cannot be withheld due to non-payment of fees. This resolved the issues. Honorable President, moments like these remind me the importance of empathy and the need to understand the struggles and aspirations of the citizens we serve. Honorable President, during our district training, we had the privilege of observing closely the challenges and responsibilities of a district collector. Remarkably, my district magistrate was an inspiring figure who continued her duties diligently until just 3 days before her delivery, not allowing pregnancy to hinder her commitment. Adding to this, the experience of moving to a new state like Odisha and learning language Odia has been an incredibly joyful experience. Honorable President, as we embarked on our journey from various districts to the hinterland, to the heart of India, that is Delhi, we found ourselves transitioning from familiar grounds to the intricate corridors of the central government. The lessons in noting and drafting imparted during phase one of our training at the academy found practical application during our independent assignments as undersecretaries. Honorable President, our visit to the Prime Minister Sangrahalaya offered a unique opportunity to walk through the timeline of India, showcasing our country's journey from independence to the present day. The morning serenity and peace we found at Rajghat with the eternal flame ignited a fire within us to be always guided by Mahatma Gandhi's principles. The attachments to National Investigation Agency and Intelligence Bureau gave us a head start in understanding the security scenario at the national level. Walking through the old buildings of Samvidhan Sadan, we could hear the whispers of history
while the new parliament building represented the progress and democratic essence of our country. We are now inspired to take on the mantle of citizen-centric administration and being change makers for Viksit Bharat. Thank you and Jai Hind. Priya officer trainees, आज मुझे आईएएस के 2022 बैच के आप सभी युवा अधिकारियों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। सिविल सेवा परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करके आईएएस के लिए चुना जाना प्रतिभा के साथ साथ कठिन परिश्रम तथा लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति निष्ठा का परिचायक भी है, इसलिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। मैं वुमेन ट्रेनी ऑफिसर्स की विशेष सराहना करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को अनेक सीमाओं का सामना करना पड़ता है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आईएएस में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारी समाज और देश के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। मुझे बताया गया है कि आपके तुरंत बाद के यानी 2023 बैच के आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज में महिलाओं की संख्या 42% है। ये एक अत्यंत गौरवशाली कीर्तिमान है। इसमें मुझे भारत की विकास की शानदार तस्वीर दिखाई देती है। मैं समझती हूँ कि प्रशिक्षण के दौरान आपको देश, समाज तथा प्रशासन से जुड़ा जो ज्ञान और अनुभव मिला है वो आपके पूरे करियर के दौरान आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि आजकल सहायक सचिव कार्यक्रम के जरिए आप सबको करियर के शुरुआती दौर में ही भारत सरकार के कामकाज से अवगत कराया जा रहा है। आप सबको अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर भी मिल रहा है। ये एक्सपोजर आपको देशव्यापी दृष्टिकोण प्रदान करेगा। जब आपकी पोस्टिंग किसी क्षेत्र में होगी तब नीति निर्धारण करने और निर्णय लेने में ये नेशनल पर्सपेक्टिव का लाभ आप सबको मिलेगा। हमारे देश में आईएएस को ड्रीम जॉब माना जाता है, यानी आप सब ऐसे पदों पर कार्यरत होने जा रहे हैं जिन पर पहुंचने का सपना हर वर्ष लाखों युवा देखते हैं। बहुत बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी युवा इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये अवसर केवल आपको मिला है कि इस प्रतिष्ठित सेवा के माध्यम से आप देशवासियों देशवासियों के कल्याण के लिए कार्य करें। स्वाधीन भारत में आईएएस की भूमिका को परिभाषित करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि सभी सिविल सर्वेंट्स को स्पिरिट ऑफ सर्विस के साथ काम करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि देश के सामान्य लोगों के साथ अपनेपन का व्यवहार करना हर अधिकारी का आवश्यक कर्तव्य है। आप जहाँ भी काम करें वहाँ अपने संवेदनशीलता, ईमानदारी तथा कार्यकुशलता की छाप छोड़े ताकि वहाँ के लोग आपके जाने के बाद भी आपके योगदान को सदा याद रखें। आईएएस अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पद पर कार्यरत हैं। आज भारत दुनिया के विकसित देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। अनेक क्षेत्रों में हम नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी के इस युग में जो अब देश दुनिया की हर जानकारी लोगों को रियल टाइम में मिल रही है तो अब आपकी चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। आप जो अब तक किसी भी स्कीम के सोशल या इकोनॉमिक गोल्स अचीव करेंगे तब तक लोगों की नीड्स अवेयरनेस और एस्पिरेशंस और बढ़ चुकी हैं होगी, इसीलिए आप आज से ही ऐसे स्कीम्स बनाना शुरू करें जिनके बल पर आप फ्यूचर रेडी हैं। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तथा
हर वर्ग के लोगों के सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए प्रशासन की कार्य संस्कृति जनभागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मानसिकता अनिवार्य है। अनेक आईएएस अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किए हैं तथा देश की उपलब्धियों में अमूल्य योगदान दिए हैं। ऐसे अधिकारियों को आप सब अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। आज के संदर्भ में आप सबको केवल एडमिनिस्ट्रेटर्स ही नहीं बल्कि फैसिलिटेटर्स और मैनेजर्स की भूमिका भी निभानी है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किस तरह से सबको साथ लेकर आप अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान कर पा रहे हैं। प्रिय ऑफिसर ट्रेनीज, प्रशासक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है लोगों का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना। एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। आपके रास्ते में कई चुनौतियाँ, सीमाएँ और समस्याएँ आएगी। नैतिकता पर किसी भी तरह के आघात से निपटने के लिए आपको आरंभ से ही सचेत और सक्रिय रहना होगा। मुझे विश्वास है कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रम में लागू करने के साथ साथ आप सब अपने निजी आचरण में भी इंटीग्रिटी, राइटियसनेस और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देंगे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि अनेक अधिकारी इनोवेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब भी नई सोच के साथ, नई समाधानों के द्वारा देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब आने वाले समय में भारत का गौरव बढ़ाएंगे। अमृतकाल के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में आप सब अमूल्य योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।